कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल में संचालित ओएनसी बार के डांस फ्लोर और डीजे पर पाबंदी। लगातार विवाद के बाद एसपी एक्शन मोड में। टीपी नगर के पाम मॉल में संचालित ओएनसी बार में लगातार हो रही घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बार के भीतर संचालित डांस फ्लोर और डीजे को बंद करवा दिया है। अक्सर यह देखा जा रहा है कि युवक युवतियों के डांस करने के दौरान विवाद हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी कोतवाली टीआई निरीक्षक रामेंद्र सिंह, सीएसईबी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नवल साव व साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू दल बल के साथ ओएनसी बार पहुंचे, डीजे और डांस फ्लोर को बंद करवा दिया। रात 8 बजे तक इस तरह की कार्रवाई के बाद डीजे और डांस फ्लोर को बंद करा दिया गया है। लगातार हुई मारपीट की घटनाओं और पूर्व में कलेक्टर रानू साहू के द्वारा दिए गए जांच के निर्देश, इस बीच हुई फिर मारपीट की घटना के बाद इस बात के आसार बढ़ गए हैं कि ओएनसी में डांस फ्लोर और डीजे को पूरी तरह से बंद कराया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय कलेक्टर को ही लेना है। शहर की शांति और अमन चैन के लिए माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा इसकी अनुशंसा की जा सकती है। पहले तो ये है कि जो समय है उस पर बंद करने के लिए मैंने थाना प्रभारी को बोला है कि समय पे वो बंद होना चाहिए। दूसरा चीज़, वहाँ पर डीजे और जो डीजे और डांस से संबंधित है उस पर मैंने टीम भेज करके सख्ती से उसको बंद करवा दिया है। आने वाले दिनों में यही सख्ती से पूरा बंद रहेगा। साथ ही साथ उसमें जितने भी उसके पिछले केसेस थे और जो भी घटनाएँ घटी थी उन घटनाओं को बेस बना करके मैंने कलेक्टर मैडम को एक पत्र भेजा हुआ है कि उस पर आगे उस पर सख्ती से एक्शन लें ताकि घटना न। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।